शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। काका नमस्कार, मुझे पहचाना आप? चौरी की आंखें इतनी कमजोर कैसे हो गई काका? उम्र बढ़ने के साथ साथ आंखों का नंबर भी बढ़ जाता है अमित बाबू। नजरें कमजोर हो जाती हैं, पर यादें नहीं। कहिए यहाँ कैसे आना हुआ भैया? असल में हमें आपसे कुछ पूछना था। अरे पूछो भाई पूछो, क्या बात है? वो गलत कर रहे हो। हाँ गलत है बेटा, हम कुछ नहीं कर सकते सिर्फ। वैसे गंजी भी अच्छी लगेगी। हमारी बात सुन, ये उनके उनके घर का मामला है, निजी मामला है। तुम्हें हमारी कसम है तुम कुछ नहीं करोगे। शांत हो जाओ, हम बात करते हैं। अमृता बहन जी, आप क्या कर रही है? ये सही नहीं है, बहुत गलत है, बहुत गलत। प्लीज कम से कम आप आशी के साथ तो ये सम्मत कीजिए। ये हमारा घरेलू मामला है, आप बीच में ना ही बोले
तो अच्छा होगा। हम जानते हैं कि आपका घरेलू मामला है, लेकिन आज के जमाने में ये रीत रिवाज कौन मानता है? हम मानते हैं। नहीं, 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 नहीं माँ, प्लीज माँ, प्लीज हाथ छोड़ दो माँ। अरे अरे ऐसे क्यों रो रहे हो? हाँ अरे इतना क्राइंग करने वाली तो कोई बात ही नहीं है, और आज तो तुम्हारा हैप्पीली मोमेंट होना चाहिए भाई। इतने सालों बाद इस बंधन से मुक्त होने जा रही हो तुम, एकदम फ्री। अबे काम ही नहीं हुआ किस काम आएगी? मैं हूँ ना तुम्हारे लिए ऐसा दूल्हा, ऐसा घूम ढूंढूंगी ना, पूरा हैंडसम होगा बिल्कुल, पूरा गाँव दिखता रह जाएगा, देख लेना। नहीं बहन जी, हमारे यहाँ लड़की की डोली जिस घर में जाती है वहां से सिर्फ उसकी अर्थी उठती है, और दोबारा डोरी कभी नहीं सजती। वो अपना काम करो। नहीं नहीं माँ, माँ नहीं, प्लीज माँ, माँ कुछ तो करो माँ, माँ प्लीज छोड़ो माँ। मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ माँ, प्लीज ये मत करो माँ, प्लीज ये सब गलत है माँ। माँ एक तो हमारे घर में शादी है और ऊपर से बाबा भी नहीं है माँ। जब तक बाबा नहीं मान लेते कि भैया इस दुनिया में नहीं है, जब तक वो भैया का अंतिम संस्कार नहीं कर लेते माँ, माँ कुछ नहीं कर सकती माँ। प्लीज ये सब गलत है माँ, प्लीज प्लीज रोक दो ये सब माँ। जहर मत मचाओ निधि, बड़ों की बात को नहीं काटते, दखल अंदाजी नहीं करते, कितनी बार समझाए? नहीं माँ, हटो परे। नहीं नहीं आशी माँ, नहीं प्लीज। वैसे निधि गलत क्या कह रही है? जैसे तुम्हारा हक है तुम्हारे बेटे पर, उसकी यादों पर, वैसे ही उसके बाबा का भी हक है। एक बच्चे को जैसे उसकी माँ की जरूरत होती है, उतनी ही जरूरत उसे उसकी बाबा की भी होती है। जैसे एक बच्चा अपने माँ बाप दोनों का अंश होता है, वैसे ही उसकी जिम्मेदारी भी माँ बाप दोनों की होती है। उसके सारे फैसले माँ बाप दोनों मिलकर लेते हैं। अमृता, इतने सालों से तुम अपने बेटे की यादों में जी रही थी, तब भाई साहब ने तुम्हारा साथ दिया ना, तो फिर आज तुम ऐसे अपने बेटे का अंतिम संस्कार कर रही हो, तो इसमें भी बाबा का साथ होना बहुत जरूरी है। इतना बड़ा फैसला तुम ऐसे अकेले नहीं ले सकती। वैसे अमृता सिस्टर, रोहिणी सिस्टर कुछ गलत तो नहीं बोल रही है, 100% सही बात लगती है। अमृता बहन जी, हम सबको यही लगता है कि इतना बड़ा फैसला लेने से पहले हमें अमित जी का इंतजार करना चाहिए। एक बार वो वापस लौट कर आ जाए, फिर उनकी मौजूदगी में जो फैसला लेना है, जो करना है वो करें, लेकिन अमित जी का थोड़ा सा इंतजार जरूर कीजिए। कब इसके पर कटेंगे और कब इसकी उड़ान रुकेगी? मेरी और सिट की जिंदगी में काला कौवा बन के बैठ गई है ये, पर इस काले कौवे को तो मैं उड़ा के ही रहूंगी, चाहे जो करना पड़ जाए।